करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस साल करवा चौथ का व्रत 13 अक्टूबर यानी आज ही रखा जाएगा। इस दिन शादीशुदा महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए निर्जला उपवास रखती है और चंद्र दर्शन करने के बाद ही कुछ खाती है। इस व्रत के नियम बहुत कठोर होते हैं। जिन्हें सुहागिनों का ये पहला करवा चौथ है, उन्हें इन नियमों की जानकारी बहुत जरूरी है। हाथों में पिया के नाम की मेहंदी और माथे पर सितारों वाली बिंदिया, कलाई में चूड़िया और मांग में सिंदूर की लाली पर सुहागिनों ने आज अपने पिया के बलाएं उतारेगी। करवा चौथ की तैयारी को लेकर आज दिन भर बाजार गुलजार रहे। 3 साल बाद इस बार करवा चौथ हर तरफ रौनक छाई हुई है। व्रत से पहले मेहंदी लगाने के लिए बाजार में महिलाओं के साथ ही कॉलेज की गर्ल्स काफी संख्या में पहुंची। लड़कियों ने जहां अरबिक डिजाइन लगवाकर मेहंदी लगवाई, तो वहीं महिलाओं को चांद के दीदार करने वाले कपल की डिजाइन बहुत पसंद आई। सरदारपुरा में मेहंदी लगवाने वाली अर्पिता अग्रवाल ने बताया कि इस बार मेहंदी काफी डिजाइन है। इस बार करवा चौथ के लिए खास तौर पर एक हाथ पर पति और दूसरे हाथ पर चांद का दीदार कर व्रत खोलेगी। पति की लंबी आयु के लिए रखा जाने वाला करवा चौथ व्रत को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह देखा गया। आइए बात करते हैं इन महिलाओं से। आज करवा चौथ है तो उसके लिए मेहंदी लगवाने आए हैं। करवा चौथ सुहागन के लिए व्रत होता है एंड उसमें तैयार होते हैं, पूजा वूजा करते हैं और चांद देख के व्रत खोलते हैं। आज करवा चौथ है और उसी उपलक्ष में हम सब यहाँ मेहंदी लगवाने आए हैं। आज हम पूरा दिन व्रत करते हैं, बिना निर्जला व्रत होता है। ये त्यौहार पति और पत्नी के प्यार का, प्रेम का प्रतीक है और अपनी पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखा जाता है। आज शाम को हम सब 16 श्रृंगार करके तैयार होके चांद की पूजा करके फिर अपने पति के द्वारा पानी पिलाने पे व्रत खोलते हैं और इसी तरह बड़ी उल्लास और धूमधाम से मनाया जाता है। 2 साल कोरोना था तो आप टेंशन नहीं था? हाँ, 2 साल कोरोना था तो घर पे ही रह के मनाना पड़ा, मेहंदी भी खुद ही लगवानी पड़ी, तो इस बार थोड़ा सा ज़्यादा मतलब खुशी और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है।